हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट रोहित यादव। तो आज का हमारा ये सेकंड ब्लॉग है। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं, आज हम वैसे हम आए ऐसा कोई प्लान तो कोई था नहीं, पर आज हम अपने एक रेस्टोरेंट पे आए हैं जिसका नाम है डी लाइन रसोई। तो यहाँ का आज हम खाना इंजॉय करने आए हैं, पर यहाँ का हमने थोड़ा सा खाना वैसे पैक कराने आए हैं। इसका मैंने अपना क्या कहते हैं सोडा मंगाया है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसका मेन्यू आपको दिखाते हैं, जैसे इसके मेन्यू में हम उसका मेन्यू खोलते हैं। तो इसका ये मैं क्या मेन्यू, ये इस तरह का इसका मेन्यू है। तो ये सारे इसके खाने की डिशेज हैं, आप भी मंगा सकते हैं, खुद भी मंगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो ये गैस का मेन्यू था, इसकी ये हमारा ब्लॉग है, छोटा सा ब्लॉग हम बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है या कोई भी हमने ऐसा कोई प्लान है, प्लान है नहीं, बस छोटा सा हम ब्लॉग शूट करने आए हैं। और मैं आपको रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ, ये रेस्टोरेंट किस तरह का है और कैसा रेस्टोरेंट है, शायद आपको पसंद आए या ना पसंद आए। वैसे लाइटिंग इसमें काफ़ी अच्छी दे रखी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बैक पर दिखाता हूँ कैसा है, पर बाय द वे मैं ये फ़ोन से शूट कर रहा हूँ इसलिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं अपना GoPro लाना भूल गया था, क्योंकि ऐसा कोई मेरा शूट का प्लान था नहीं, तो इसलिए मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। और मैं GoPro अपना लाया नहीं हूँ क्योंकि ऐसा शूट का कोई प्लान नहीं था। तो मैं आपको बैक से दिखाता हूँ, ठीक है ना। रेस्टोरेंट है, तो आप आइए एंजॉय कीजिए। मैं उसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डाल दूंगा। इसकी शायद जो ये जोमेटो पे भी अवेलेबल है और इसकी होम डिलीवरी होती है 5 किलोमीटर के एरिया में, आप कहीं भी मंगा सकते हैं। तो ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, तो गाइस आपको यह कैसा लगा। और बाय द वे यहाँ मैंने सब कुछ खाना पैक कराया है, जैसे सोडा तो मैं पीने आया हूँ, मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों से सोडा पीने का, मैं सोडा तो पीने आया हूँ। और भाई जब मैंने पैक कराया है, जैसे यहाँ का डोसा मैंने पैक कराया है, ऐसा कोई मन तो नहीं था खाने का, पर मन था तो मैं आया हूँ। थोड़ी सी वॉइस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं अपना GoPro लाना भूल गया हूँ। तो ये ब्लॉग हम आप डालते हैं, प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है। आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको उसमें क्या कमी लगी, मैं क्या चीज़ सुधार सकता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब हम अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बताएं, ये मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी कैमरा परचेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी नया नया YouTube पे आया हूँ, तो अभी ऐसा कैमरा लेने का कोई वो नहीं है। थोड़ा देखते हैं क्या है YouTube पे अपना, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो अभी तो कैमरा लेने का ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो आज मैं अपने घर में ही हूँ, तो सोचा आज मैं अपने घर का ही थोड़ा सा ब्लॉग बना दूँ। इससे पहले जो आपने पार्ट देखा है वो मैं रेस्टोरेंट गया था, वो मेरा पहला ब्लॉग था। मैं ये दो सेकंड ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, पर ये मैं उसी ब्लॉग में ही जोड़ूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा यूट्यूब वाले मालूम नहीं है। मैं अपने मोबाइल से अभी सब काम एडिटिंग जो भी काम करना है सब मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, तो अभी कोई ऐसा मेरा प्लान तो ऐसा कोई है नहीं। तो क्या करें, सोचा ऐसे हम गाने लगाएंगे तो हमारा क्या कहते हैं इस पर कॉम्पिटिशन आ जाएगा, ये अच्छी बात है। बल्कि इससे पहले मैं यूट्यूब पे काफ़ी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, पर इतना वीडियो डालने के बाद मैं करीबन 2016 के लास्ट में दिसंबर मंथ में आया था, तब से मैं तो यूट्यूब पर वैसे टेम्परेरी वीडियो डालता रहा हूँ, छोटी मोटी कभी कुछ कभी कुछ, कई वीडियो कॉपी राइट आया।
तो इससे मुझे पता चला कि YouTube पर अपना ही कंटेंट डालना सही रहता है, अपना ही खुद का कंटेंट हो तो सही रहता है। और खुद का कंटेंट होता है तो कॉपीराइट नहीं आएगा, आपका खुद का वीडियो खुद की ओरिजिनल है, खुद की ओरिजिनल वॉइस, सब कुछ आपका है। मेरे कई यूट्यूबर हैं, मेरा जैसे फेवरेट यूट्यूबर है देसी ट्रेवल, जो मेरा कतई फेवरेट है। मैं सब कुछ ज़्यादातर मैंने सीखा उसी से है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने सब कुछ ज़्यादातर अभी तो उन्हीं से सीखा है। पर इस बारे में हम क्या करें, सब कुछ मैंने उन्हीं से सीख के अपना काम कर रहा हूँ। टीडी ब्लॉग फैमिली, टीडी फैमिली अच्छा है। तो सोचा अगर हम भी यूट्यूब पे आए, अपना कंटेंट हो, ये सब चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी है ज़्यादातर। थोड़ी बहुत देखी जाए तो मैं सब उन्हीं से सीखता रहता हूँ। तो गाइस आप बताइए कि मैं किस तरह का यूट्यूब पे काम कर सकता हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह से यूट्यूब पे अपना सक्सेस बना सकता हूँ, या यूट्यूब पे मैं किस तरह से अपना काम कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने कई वीडियो डाली थी, पर इससे पहले मुझे समझ तो बिल्कुल नहीं थी, थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। मैं अभी अपना एक माइक मंगा लूँगा और एक मैं ट्राईपॉड भी मंगाऊँगा, फिर आप शायद थोड़ा सा ने ये मैं अपने आईफोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने एक सेकंड आईफोन खरीदा था, तो मैं उससे अपना वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा घर है, ऐसा लुक है थोड़ा सा, जैसे अब मैं आपको अपना बैक से दिखाता हूँ कैसा है। और वैसे भी सब कुछ ठीक ही चलता है, पर YouTube पे सक्सेस होने के लिए बहुत थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, राउंड बाय राउंड बाय राउंड हर चीज़ देखनी पड़ती है। इसमें बहुत चीज़ है देखने के लिए, पर इसमें बहुत कुछ हम कर भी सकते हैं, बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हैं। कोई गलत चीज़ कंटेंट नहीं डालना है, किसी का कंटेंट नहीं चुराना है, बहुत चीज़ होती हैं इस पर जो चीज़ हमें नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे इसका कंटेंट बहुत कंटेंट पे होता है साला, सॉरी 34, ठीक है 3:34 पे काटना है, नहीं ये थोड़ा वीडियो काटूंगा। तो किसी का कंटेंट हम नहीं चुरा सकते हैं, सब काम अपना ही कंटेंट रखना पड़ता है, ओरिजिनल कंटेंट आप ही होना चाहिए, वरना आपके पास कॉपीराइट आएगा, आपका चैनल बंद हो सकता है, तीन मोनिटाइज आपका मोनिटाइज स्टॉप हो सकती है, आपका पेमेंट अटक सकता है, आप यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो सकते हैं किसी का कंटेंट चुराते हैं। तो थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो मुझे बताना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह का ये हमारा ब्लॉग है, तो अब हम अपना आगे बढ़ते हैं अपना सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप कुछ है हम घुसे का तो इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं और सब काम हमारा बढ़िया हो सकता है, और YouTube पर कंटेंट खुद का ही होना ज़रूरी होता है क्योंकि खुद का कंटेंट हम नहीं रखेंगे तो सब काम बेकार हो जाते हैं। कंटेंट आपका नहीं होगा तो आप पे कॉपीराइट आएगा, जिसकी वीडियो है जो ओरिजिनल कंटेंट वो आप पे कॉपीराइट लगाएगा, आपका खुद का कंटेंट नहीं है तो सब काम बेकार रहता है। वैसे ये मैं भी किसी का सीखा है, जो मन में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी तो माफ़ करना। तो अब हम अपना बात करते हैं YouTube पर मोनिटाइजेशन के बारे में। तो मोनिटाइजेशन जो एक चीज़ है वो आपका स्टॉप हो जाता है। अब मेन फोकस करते हैं हम अपने जो अपने इससे पहले पार्ट देखा था उसमें। तो मैं गया था रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद मैंने वो ब्लॉग अभी तक डाला नहीं है, इसी में सोचा डालूँ नहीं डालूँ, डालूँ नहीं डालूँ, तो सर डाल ही देते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट से आने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मामला, तो उस चक्कर में मैंने वो ब्लॉग सोचा नहीं डालूं।
पर उसके लिए मैंने कोई वीडियो शूट तो नहीं किया था, वो थोड़ी सी मेरी गलती थी जो मैंने वीडियो शूट उस समय नहीं किया। करता तो मैं साथ उसमें डाल देता, पर मेरा ऐसा कोई करने का प्लान नहीं था। पर हाँ, खाना अच्छा था, खाना एकदम बेहतरीन था, तो उसके लिए आज हम सोच रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में चलें और खाने के लिए ब्लॉग बनाएं। ये सोच रहे थे कि सोचा फिर नहीं, करना ठीक नहीं है, उसी को अब डालो तो सही रहेगा। अब मैं शायद हर आज क्या है, आज वेनसडे, शायद आज वेनसडे क्या है, अल हमको दिन ही नहीं ध्यान, जो भी हो तो हम इसके लिए इसके लिए हम सोच रहे हैं करें नहीं करें, पर हम अपना ये ब्लॉग डालते हैं। पता है ये ब्लॉग डालने में थोड़ी बहुत शर्म तो आती है, क्योंकि जो मेरे अभी तक इतने सब्सक्राइबर तो है नहीं, जो मैं अपना ज़्यादातर काम कर सकूं। पर आप जान समझते हैं ना कि हम अपना थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो जलने वाले बहुत हैं अभी तक। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाते हैं कि यूट्यूब पे डालता है वीडियो, बोलना आता नहीं है, कुछ आता नहीं है, तो मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीखूंगा तभी उस पर कामयाबी हासिल करूंगा। हर कोई मेहनत करता है, हर कोई बोलने से डरता है, बाद में हर किसी का मजाक उड़ता है। मुझे पता है, मेरा भी मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, पर मुझे उससे कोई वो नहीं है। तो ये ब्लॉग तो मैं डालूंगा, ये मेरा खुद का शायद ये मेरा पहला ही ब्लॉग है जो मैं आज डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ब्लॉग डालने के बाद मेरे दोस्त मेरा काफ़ी मजाक उड़ाएंगे और बहुत मजाक उड़ेगा भी मेरा, जो जो मेरे दोस्त हैं जो सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे किया है मेरे आसपास के घर के आसपास पास में, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो अपना नाम तो जैसा किसी का नहीं लूँगा, पर मुझे पता है कौन मजाक उड़ाता है कौन मजाक नहीं उड़ाता। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, पर क्या करें, कमेंट भी कहते हैं कई लोग कि ये है वो है, मेरे ही ओरिजिनल वॉइस पर कॉपीराइट डालते हैं, पर मैं भी उनका रिप्लाई करता हूँ। इतना तो थोड़ा समझ आ ही गई है यूट्यूब पर देख देख के कि कैसे क्या क्या करना होता है। पर देखिए, मेरा मजाक तो वो उड़ान का काम है, उनको उड़ाने दो, वो मेरा मजाक उड़ाए के मेरा तो कुछ कर नहीं लेंगे, क्या करें। कुछ नहीं किया जाता ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों को तो जूते से मारो जो आपके बारे में नेगेटिव फैलाते हैं। जैसे अभी नेगेटिव के बारे में बात चलती है, बाबा का ढाबा के बारे में, आप सब बाबा के ढाबा के बारे में तो सब जानते ही होंगे, गौरव वशन रॉय, ये मैटर चल रहा है, इस बारे में मुझे कोई प्रॉपर पता नहीं है। तो नेगेटिविटी, अब कौन सही है कौन झूठा है, ये तो हम ऐसे किसी को हम नहीं कह सकते, पर जो भी चल रहा है सब सही है। अब कौन सच्चा कौन झूठा उस बारे में हम बात नहीं घुसेंगे। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे, क्योंकि नेगेटिव आप जानते ही हो, जैसे इस वाले मैंने कहा बाबा के ढाबा के बारे में बात चल रही है, तो इस बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते तो है नहीं, पर इसी वजह से हम कहते हैं लोग नेगेटिव बहुत फैलाते हैं, अपने नेगेटिविटी साथ सावधान रहें। आप वीडियो डालते हैं, हम वीडियो तो मैं नहीं, कोई भी वीडियो, कोई भी यूट्यूबर अपना वीडियो डालता है तो बहुत से हैं डैश 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 होते हैं जो नेगेटिव फैलाते हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन तो टूटता है, थोड़ा लगता है ये शायद कुछ गलत किया नहीं किया, थोड़ा सबक मिलता है, सबका मिलता है, पर कुछ होते हैं डैश 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 जो कहते हैं, उनका काम ही यही है कि लोगों को नीचे गिराना, कुछ भी हो, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो बहुत कुछ है, कुछ कर रहा है तो बहुत कुछ है, ना कुछ नहीं कर रहा तो बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसे में बहुत लोग नेगेटिव फैलाते हैं, गलत कमेंट करते हैं, गलत बात करते हैं, इसीलिए मुझे पता है मेरे दोस्त मेरे बारे में, मैं डालूंगा वीडियो जो मेरे दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं, नाम तो वो समझ जाएगा कौन है, जो साथ पढ़ता था, फैम फैला लेना, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे में यूट्यूब पर वैसे आप बहुत गलत कमेंट करेंगे, मेरा मजाक भी काफ़ी दोस्त उड़ाते हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं अपना खुद का कंटेंट रखो, मजाक उड़ने दो, क्या
क्या है, मजाक एक बार उड़ेगा, दो बार उड़ेगा, तीन बार उड़ेगा, चौथी बार खुद शांत हो जाएगा वो। जैसे मैं अपना पढ़ाई करता था तब मेरा बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, ये पढ़ता नहीं है, बेवकूफ़ है, ये है वो है फलाना ठिकाना। फिर बाद में मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ तो मैंने मेहनत करी, फिर एक लड़की से मेरा इंटरेस्ट हुआ था। इस तरह से सब काम होता है। तो अभी हम वीडियो को पूरा करते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब अगले बारे में बात करेंगे। मिलता हूँ मैं आपको कुछ समय बाद। तो बैकग्राउंड कौन कौन सा लगाऊँ? गेंदा का फूल, डैश 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 डैश। मैं डैश इसलिए बोल रहा हूँ, वो डैश जो पहले बोला था वो तो बहुत अच्छे शब्द के लिए था, जैसे उसकी गीली हो जाए, जो भी उसको बहुत बुरा शब्द लगे उस लड़के को वो अपने ऊपर ले ले। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यह हम ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाय बाय गाइस। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, वैसे बच्चों वाली वीडियो थी, कुछ ना प्लान तो था नहीं ऐसा कुछ करने का। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।